बेगम दिस इज फॉर यू, आपके लिए फुड़वूँ कौन, मेरे लिए पकौड़ों, अफ्तारी में खाएंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। फलक और सारा की जोड़ी तो पहले ही लाजवाब है और इसे रिश्तों का जोड़ा भी कहा जाता है। खवातीन और ज़रा शोबिज इंडस्ट्री का ये खूबसूरत से प्यारा से खबर जो हमेशा नज़रों का मरकज़ बना रहता है, लोग इन्हीं के बारे में गुफ्तगू करते हैं और चाहते हैं कि फलक की तरह हर शोहर हो जो सारा जो बीवी को हमेशा ही फूल देते हुए नज़र आते हैं। सो आज रमज़ान के इस बबरकत महीने में भी इस जोड़ी ने एक बार फिर से एक रोमांटिक बनी वीडियो शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि सारा खान ये इन्होंने बनाई है कुकिंग करती है और अभी मैं आप लोगों को बना रहा हूँ ये झूठ बोल के। लेकिन ये सब सिचुएशन देखी तो उन्होंने भी एक फूल नहीं पूरा गुलदस्ता फूलों का ले आए और कहा कि बेगम ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए अफ्तारी में पकौड़े हम मिलकर खाएंगे। खवातीन और हज़रात, हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर रोमांटिक हो, खूबसूरत हो, प्यारा हो, उसे बेइंतहा प्यार करने वाला हो, जैसा कि फलक है। फलक पर लोग इसलिए मरते हैं, हर कोई सेलिब्रिटी तक, यहाँ तक कि निदा यासिन ने भी अपने लाइव शो में ये कहना कहा कि कभी भी हमारे शौहरों ने हमें एक भी फूल नहीं इतने सालों में ला कर दिया। तो फलक तो सारा को रोज़ ही एक फूल देते हैं और अब तो पूरा गुलदस्ता ही पेश कर दिया है। जब से उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, ये कपल और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रों में रहता है इनकी बेटी के हवाले से भी और इनके किरदार, उनके अंदाज़ के लिहाज से, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी भी कॉन्सर्ट हो या फिर शूट हो सारा खान के, तो इनके फैंस जब भी इनसे मिलने आते हैं वो बहुत पुरजोश होते हैं कि सारा खान और फलक शी बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं इनके साथ। आज रमज़ान के इस बबरकत महीने में ये दोनों एक बार फिर से दिखाई दिए। आपको इनकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और सारा खान का कौन सा ड्रामा आपको बेहद पसंद है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अल्लाह ताला सबके रमज़ान को अच्छा ही गुजारे, रहमतों और बरकतों वाला आए और सबकी गुनाहों को, सबके गुनाहों को, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करते हुए हमें जन्नत की बिशारत मिल सके। आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह के बाद।